पराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्य साईशा कर्तव्यं दैवमाह्निकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीशा उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणा पूर्णा लोकमंगल सिद्धये। चित्रावती तट विशाल सुशांत सौधे तिष्ठन्ति सेवक जनास्तव दर्शनार्थम्। आदित्य कांतिरनुभाति समस्त लोका। श्री सत्य साई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नाम कीर्तन रतास्तव दिव्य नामा। गायन्ति भक्ति रसपान प्रहृष्ट चित्ता। दातुं कृपा सहित दर्शन माशुतेभ्यः। श्री सत्य साई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्य कुसुमानि मनोहराणि श्रीपाद पूजन विधिम् भवदंग्रिमूले। कर्त्रुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता। श्री सत्य साई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशांतरागत बुधास्तव दिव्यमूर्तिम् संदर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या। वेदोक्त मंत्र पठनेन लसन्त्यजस्रम्। श्री सत्य साई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुत चरित्रमखंड कीर्तिम् व्याप्तां दिगंतर विशाल धरातलेस्मिन्। जिज्ञासु लोकमुपतिष्ठति चाश्रमे। श्री सत्य साई भगवन्
तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता बह्वंगना करगृहीत सुपुष्पहारा स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणम् स्वा श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने देवि शन्ति परं धाम ज्ञान विज्ञान शोभिता मंगलम् गुरुदेवाय मंगलम् ज्ञानदायिने मंगलम् प्रतिवासाय मंगलम् सत्यसाईने। ओम श्री भगवान सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ओम श्री साई वरदाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई सत्य गुणात्मने नमः। ओम श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ओम श्री साई साधुजन पोषणाय नमः। ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री साई सर्वजन प्रियाय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्ति मूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वेशाय नमः। ओम श्री साई सर्वसंग परित्यागिने नमः। ओम श्री साई सर्वांतर्यामिने नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई पत्तिग्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई पत्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई यशकाय शिरडीवासिने नमः। ओम श्री साई जोड़ी आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषि गोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्त वत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपांतरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतार मूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभय निवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्तंभ सूत्राय नमः। ओम श्री साई अभय प्रदाय नमः। ओम श्री साई रत्नाकर वंशोद्भवाय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई अभेद शक्त्यावताराय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई मूर्तये नमः। ओम श्री साई द्वारकामाई वासिने नमः। ओम श्री साई चित्रावती तट पुट्टपर्ति विहारिणे नमः। ओम श्री साई शक्ति प्रदाय नमः। ओम श्री साई शरणागत त्राणाय नमः। ओम श्री साई आनंदाय नमः।
श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आतत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः। ओम श्री साई लोकबांधवाय नमः। ओम श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ओम श्री साई लोकनाथाय नमः। ओम श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई मूर्तित्रय स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई कलुषविदूराय नमः। ओम श्री साई करुणाकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाधाराय नमः। ओम श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ओम श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ओम श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वरोगनिवारिने नमः। ओम श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ओम श्री साई अनंतनुतकर्तृणे नमः। ओम श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ओम श्री साई आदिशक्तये नमः। ओम श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ओम श्री साई अव्यक्तरूपिने नमः। ओम श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ओम श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ओम श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ओम श्री साई आपद्बांधवाय नमः। ओम श्री साई प्रेमात्मने नमः। ओम श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ओम श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ओम श्री साई प्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तमंदाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजन हृदय विहाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजन हृदयालयाय नमः। ओम श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ओम श्री साई भक्ति ज्ञान प्रदीपाय नमः। ओम श्री साई भक्ति ज्ञान प्रदाय नमः। ओम श्री साई सुज्ञान मार्गदर्शकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञान स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई गीता बोधकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञान सिद्धिदाय नमः। ओम श्री साई सुंदर रूपाय नमः। ओम श्री साई पुण्य पुरुषाय नमः। ओम श्री साई फलप्रदाय नमः। ओम श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री साई पुराण पुरुषाय नमः। ओम श्री साई अतीताय नमः। ओम श्री साई कालातीताय नमः। ओम श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ओम श्री साई सिद्धसंकल्पाय नमः। ओम श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ओम श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ओम श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ओम श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ओम श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ओम श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ओम श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकल संशयहराय नमः। ओम श्री साई सकल तत्वबोधकाय नमः। ओम श्री साई योगीश्वराय नमः। ओम श्री साई योगींद्र वंदिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमंगलकराय नमः।
ओम श्री साई सर्वसिद्धि प्रदाय नमः। ओम श्री साई आपन निवारिणे नमः। ओम श्री साई आर्तिहराय नमः। ओम श्री साई शांतमूर्तये नमः। ओम श्री साई सुलभ प्रसन्नाय नमः। ओम श्री साई भगवान श्री सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई राम भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं, सुखासन पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें, ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो, दोनों हाथ घुटनों पर किम मुद्रा में रखें, आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सो हम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सो हम मंत्र का अपने श्वासों के साथ स्मरण करें। अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एक टक ज्योति को देखते रहें, फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल को स्पर्श कर रही है।
दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल के मध्य मुझे मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान मेरे हृदय कमल के सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं और हम सबको अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अभय दान दे रहे हैं। परम ज्योति स्वरूप भगवान सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है, मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद शाकाहारी सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाईं ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है।
और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित, पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मन मुटाव है या जिनका हमसे मन मुटाव है, द्वेष है, उन सबको दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर, अमर, अविनाशी, सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सोहम, सोहम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहे, अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है।
ఈనాటి ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది సామాన్యమైనటువంటి ప్రాపంచిక సంబంధమైనటువంటి ప్రాకృతిక సంబంధమైనటువంటి లౌకిక సంబంధమైనటువంటి లౌకిక విద్యలే. आज संसार में जो भी ज्ञान मिलता है वह सांसारिक और भौतिक है. ये केवल बुकिश नॉलेज, यह केवल किताबी ज्ञान है. अंदर ये बुकिश नॉलेज ने प्रारंभ आज सब कुछ इस किताबी ज्ञान के आसपास ही घूमता है. ये केवल सुपरफिशियल नॉलेज, यह केवल सतही ज्ञान है. सुपरफिशियल नॉलेज क्षण क्षण को मारी पोतारी. सतही ज्ञान क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है. కనుకనే ఈ బుకిష్ నాలెడ్జి నుంచి కూడాను మన అంతర్భావమైనటువంటి ఒక ఎడ్యుకేర్ అనేటువంటి దానికి ఈ చదువును అందించాలి. ఇస్ కితాబీ జ్ఞాన్ కే అలావా హమే చాహియే కి హమ్ ఎడ్యుకేర్ కో వికసిత్ కరే జో కి హమారే అందర్ సే ఉత్పన్న హోనే వాలీ జాగరూకతా యా చేతనా హే. ఆ ఎడ్యుకేర్ అనేటువంటిది ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జి. ఎడ్యుకేర్ హమే వ్యావహారిక జ్ఞాన్ దేతా హే. అయితే ఈ యొక్క సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జ్ కిని ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కిని మధ్యలో కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటుంటాయి. హాలకి సతహి జ్ఞాన్ కే ప్రథమ కదమ్ సే వ్యావహారిక జ్ఞాన్ కే అంతిమ కదమ్ కే బీచ్ కుచ్ హీ కదమో కా అంతర్ హోతా హే. సూపర్ఫిషియల్ నాలెడ్జ్ నుంచి కూడాను కేవలము జనరల్ నాలెడ్జ్ అనేటువంటి దాంట్లో మనం ప్రవేశించాలి. సతహి జ్ఞాన్ సే హమే సామాన్య జ్ఞాన్ తక్ పహుంచనా చాహియే. ఈ జనరల్ నాలెడ్జ్ నుంచి కూడాను డిస్క్రిమినేషన్ నాలెడ్జ్, విచారణ చేసి ఏది సత్యము ఏది అసత్యము అని దీని విచారణ చేసి దానిలో మనం ప్రవేశించాలి. సామాన్య జ్ఞాన్ సే హమే వివేక్యుక్త జ్ఞాన్ తక్ పహుంచనా హే జహాన్ హమ్ సత్య ఔర్ అసత్య కే భేద్ కో సమజ్తే హే. ఈ డిస్క్రిమినేషన్ నాలెడ్జ్ నుంచి కూడాను మనము క్రమక్రమేణ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లో ప్రవేశించాలి. ధీరే ధీరే వివేక్యుక్త జ్ఞాన్ సే హమే వ్యావహారిక జ్ఞాన్ తక్ పహుంచనా చాహియే. ఈ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ నే నిత్య సత్యమైనటువంటి విద్య. వ్యావహారిక జ్ఞాన్ అర్థాత్ ఆధ్యాత్మిక బుద్ధిమానీ కా ఉపయోగ కర్ సదాచరణ కర్నా యహీ సచ్చి వా సనాతన శిక్ష హే. ఏనాటికి నీ మార్పు చెందేటువంటిది కాదు. వ్యావహారిక జ్ఞాన్ అపరివర్తనీయ హే. హృదయం ఏ విధంగా యస్య భూషితం నిరంతరము పూజింపబడినటువంటిదిగా ఉంటుందో సదయం హృదయం అన్నాను. శాంతిగాను విశాలంగాను పవిత్రమైనటువంటిదిగాను హృదయం అభివృద్ధి గావిస్తుంది. వో హృదయ జో కరుణా సే పూర్ణ హే హమే శాంతి పవిత్రత ఔర్ వ్యాపక తథా ఉదార్ సోచ్ రఖనే కి స్థితి తక్ లే జాతా హే. ఇతను విద్యావంతుడనగా అతనిలో దుర్గుణములు ప్రవేశించకూడదు. జ్ఞాని లోగో మే బురీ ఆదతే నహీ హోనీ చాహియే. దుశ్చర్యలు అసలే ప్రవేశించకూడదు. కిసీ కో భీ బురే కార్యం కి ఓర్ ప్రవృత్త నహీ హోనా చాహియే. అతను విద్యావంతుడు ఎట్లవుతాడు? తుమ్ కిసీ కో శిక్షిత్ కేసే కే సక్తే హో. విద్య అనగా కేవలము జ్ఞానము అని అర్థము. శిక్ష కా అర్థ హే జ్ఞాన్. ఎట్టి జ్ఞానము? కిస్ తరహ కా జ్ఞాన్? లౌకిక జ్ఞానమా? క్యా యే సాంసారిక జ్ఞాన్ హే? ప్రాకృత నాలెడ్జ్? యా భౌతిక జ్ఞాన్ హే? లేక జనరల్ నాలెడ్జ్? యా సామాన్య జ్ఞాన్ హే? కాదు కాదు. నహీ నహీ. ఇది కేవలము బుకిష్ నాలెడ్జ్. आखिर यही सब केवल किताबी ज्ञान है. ఈ బుకిష్ నాలెడ్జి నుంచినే మానవుడు ఇలాడ అన్ని విధములు కూడాను హీనమై చెడిపోతున్నాడు. మనుష్య బిగడ్ రహే హే క్యోంకి పూర్ణతయా వో కితాబీ జ్ఞాన్ పర హీ నిర్భర హే. ఇది ఎంత వరకు కలుస్తుంది? आखिर ये किस हद तक तुम्हारी मदद करेगा? మన మనసులో నిలుపుకున్నంత వరకు ఉంటుంది. तुम्हें यह अनुभव तब तक ही होगा जब तक तुम्हारी स्मरण शक्ति रहेगी. ఇది కొంతవరకు ను బుకిష్ నాలెడ్జి మనం ప్రాక్టికల్ అది పెట్టాలంటే వీలు కాదు. కై బార్ యా సంభవ నహీ హోతా కి ఇస్కా ఉపయోగ వ్యావహారిక క్షేత్ర మే హో. ఈ బుకిష్ నాలెడ్జి తల నింపుకొని ఎగ్జామినేషన్ హాల్ వరకు మాత్రం పోస్తుంది. అప్నే మస్తిష్క కో కితాబీ జ్ఞాన్ సే భర్నే పర్ వహ హమే కేవల్ పరీక్ష హాల్ తక్ మదద్ కరేగా. ఆ ఎగ్జామినేషన్ హాల్ లోపల ఈ తలలో ఉన్నటువంటి విషయం అంతా కూడాను పేపర్ లో గుమ్మరిస్తాడు. హమ్ అప్నే మస్తిష్క కో పరీక్షా హాల్ మే ఉత్తర పుస్తిక మే ఖాళీ కర్ దేతే హే. తిరిగి వెనుకకు వచ్చే సమయంలో ఎంప్టీ హెడ్ తో వస్తాడు. ఔర్ ఫిర్ ఖాళీ హాత్ లౌట్ ఆతే హే. ఇది ఎప్పుడు ఎంప్టీ గానే ఉంటుంటది. సిర్ హమేషా ఖాళీ క్యూ రహతా హే? కారణం ఏమిటి? దీన్ని డిస్క్రిమినేషన్ నాలెడ్జ్ గా తీసుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా ఉంటది. క్యూకి కిసీ నే ఇస్ కితాబీ జ్ఞాన్ కో వివేక్ పూర్ణ జ్ఞాన్ మే
विकसित करने का अवसर ही नहीं दिया। ये डिस्क्रिमिनेशन नॉलेज की जनरल नॉलेज अत्यवसर में विवेक की इस स्थिति तक पहुंचने के लिए सामान्य ज्ञान आवश्यक है। जनरल नॉलेज लामान्यूड़ उठाई सामान्य ज्ञान में सरल बुद्धिमत्ता होती है। डिस्क्रिमिनेशन नॉलेज कॉमन सेंस उठाई विवेकपूर्ण ज्ञान के लिए सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। ఈ రెండింటి వల్ల జనరల్ నాలెడ్జ్ కామన్ సెన్స్ రెండు కూడినప్పుడే నిజమైనటువంటి ఒక భౌతిక గుణములు కనబడతాయి। जब सामान्य ज्ञान और सामान्य समझबूझ को एक साथ उपयोग में लिया जाता है तो संपूर्ण लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम 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 नारायण नारायण ओम सत्य नारायण।
जय बोलो भगवान श्री सत्यदा।